हरियाणा पब्लिक देखने वाले सारे दर्शकों ने दिलबाग ग्रोवर की राम राम। तो दोस्तों आप इस टाइम मौजूद हाँ गांव राजौंद गुरु रविदास जी के मंदिर में। यहाँ गुरु रविदास जी की जयंती मनाई लेके चलते हैं। सर जी गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को देशवासियों को रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो सर प्रोग्राम है जो आज गुरु रविदास जयंती का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इसकी कितने दिन पहले तैयारी करनी शुरू कर देते हैं? ऐसा है जी, हम यहाँ राजौंद नगर का बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हैं, एक महीने से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और ये हमारा जो रविदास मंदिर यहाँ पे निर्माणाधीन है, इसका 2014 में हमने नींव रखी थी और ये तब से यहाँ पर निर्माणाधीन है। इसकी नींव बहुत मजबूत रख रखी है नीचे से, काफ़ी भव्य इमारत बनेगी जब भी बनेगी, गुरु महाराज की कृपा से जल्द ही तैयार हो जाएगी। तो अपने ग्रामवासियों का क्या कुछ सहयोग रहता है? नगर वासियों का पूरा सहयोग रहता है जी, आप जैसे बाहर से आते हैं उनका ही पूरा सहयोग रहता है। और यहाँ पर 12 बजे से लेकर अटूट लंगर चलता है शाम तक, पूरा सहयोग रहता है। और जैसे इसमें कोई अपना राजौंद गांव है, नगर पालिका नगर है अपना, तो इसके अलावा कोई और दूसरे गांव से भी यहाँ लोग? हाँ हाँ, नज़दीक गांव से आते हैं। और आज हमारी जो राज्य मंत्री कमलेश डांडा है वो भी आई हैं। पिछली बार यहाँ पर राज्य स्तरीय जिला स्तरीय प्रोग्राम किया था, उसमें भी मंत्री जी आए थे, आज भी मंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें जैसे खेल वगैरह सांस्कृतिक प्रोग्राम कुछ ऐसा भी? हाँ हाँ हाँ, रात को होता है यहाँ पे, 15 दिन पहले यहाँ पे सुबह सुबह 4 बजे प्रभात फेरी निकाली जाती है जो 15 दिन तक चलती है। और जो शाम को कीर्तन होता है 15 दिन तक, 2 घंटे 8 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे सभी अपने अपने घरों पे चले जाते हैं भोग लगाकर सत्संग में। और रात भी यहाँ सारी रात कीर्तन चला था, गुरु महाराज का गुणगान हुआ था। तो दोस्तों ये हम पहुँचे हैं राजौंद नगर में गुरु रविदास जी के मंदिर में। तो सर गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले देश और प्रदेश वासियों को, नगर राजौंद को, सभी को गुरु रविदास पर्व की 645वें पर्व पर लख लख बधाइयां। और आज बहुत खुशी का मौका है पूरे समाज के लिए, पूरी छत्तीस बिरादरी के लिए। आज हमारा समाज इकट्ठा हुआ हमारे गुरु की जयंती पर। इस पर पिछली बार जो प्रोग्राम था वो बहुत बढ़िया था और अब उससे भी बहुत बढ़िया है। समाज एकता का जो सूत्र है हमारा, आज सारा समाज हमारा इकट्ठा है और एक समाज में एक मैसेज है कि गुरु रविदास महाराज की जो अपार कृपा और आशीर्वाद हमारे समाज पर, हमारे नगर पर बनाए हैं। इसके लिए आने वाले जो समय हमारा, उसमें हमारा समाज मेजोरिटी के साथ आगे खड़ा होगा, सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और आज हमारे आप देखोगे समाज के सारे मौजूद चेहरे हैं पूरे। ये हमारे जोगिंदर जी, हमारे यहाँ के जो मेन सेवादार हैं, इनकी जो सेवा भाव है वो कम से भी कम 10-15 सालों से दिल से बिल्कुल यहाँ पर समाज के अंदर सेवा कर रहे हैं। और हम भी इनके साथ लगकर जो छोटी मोटी हमारे पर सेवा हो रही है, हम भी उसको बेखूबी निभा रहे हैं। और बाद में मैं एक ही बात कहता हूँ सबको कि गुरु रविदास पर्व की आप सबको लख लख बधाइयाँ। तो दोस्तों पहुँचे हैं राजौंद और भी हम यहाँ जो प्रोग्राम चले हुए हैं लंगर वगैरह वो भी हम आपको दिखाते हैं, क्या क्या यहाँ प्रोग्राम चलते हैं वो भी दिखाएंगे।
तो अशोक कुमार जी, पहले तो हमारे तरफ से गुरु रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले देश व प्रदेश वासियों को और समस्त राजोंद नगर को गुरु रविदास के 645वें पर्व की लख लख बधाइयां पूरे समाज की तरफ से। अब ये हमारे गुरुजी हैं, हमारे 40 साल से जो हमारे समाज की जो सेवा है, जो समाज में एक जागृति का जो मिशन है, जो गुरु रविदास महाराज जी का जो प्रचार है, जो हमारे ओम प्रकाश जी भगत हैं, जिनकी दृष्टि से, जिनके आशीर्वाद से आज हमारा जो समाज के अंदर 400-450 के आसपास हमारे रविदासी समाज के मकान हैं, उनमें घर घर प्रचार तक गुरु रविदास महाराज के प्रचार को घर घर पहुंचाना, ये ओम प्रकाश
जिन्हें पूरे दिल से पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधा। आज ये वो शख्सियत है जिनका गुरु रविदास महाराज जी का गली गली के अंदर घर घर प्रचार हुआ है। समाज ओम प्रकाश जी से एक विनती प्रार्थना करता है, जो लगन सद्भावना सच्चे दिल से वो सेवा करे हैं, जो समनदास गुरु हमारे उनके मिशन है, गुरु रविदास महाराज के जो मिशन को, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हमारे रियल गॉड जिन्होंने समाज को एकता के सूत्र में बांधा, उनके जो प्रचार को घर घर पहुंचा रहे हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से समस्त समाज की तरफ से हम ओम प्रकाश जी का धन्यवाद करते हैं। मैं ये सतगुरुदास महाराज की, सतगुरु समदास महाराज की, आजी धर्म की, राव पिता की, माता कर्मा की, दादी चत्रकार की, दादा हरनंद की, दादा ज्ञानभूषदास महाराज की, बुद्धा दास महाराज की, सतनाम सतगुरु। अभी साध संगत को मेरा प्रणाम, सतनाम सतनाम। तो ओम प्रकाश जी, आप कितने सालों से जो गुरु रविदास के बारे में प्रचार कर रहे हो, कितने सालों से कर रहे हो? मुझे 5 ही साल हो गए जी प्रचार करते करते। मैं सेवेदार हूँ, मैं तो सारा भी सेवेदार हूँ, सबका सेवेदार हूँ जी। मेरा आप राजवंद राजवंद में प्रचार करते हैं? हाँ जी, बाहर भी मैं, आप जैसे कोई बुला रहा है मैं बिक जाऊँ जी। बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन प्रबंधक अधिकारी सतगुरु स्वामी समनदास महाराज राजौंद नगरी में रविदास आश्रम में उस गद्दी का निशान साहब है, और उस निशान साहब के थ्रू सब साथ संगत ऑल हरियाणा में सतगुरु समनदास रविदास का प्रचार कर रही है।